हे गाइस, मोस्ट वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ओवल फेस के फीचर्स। देखिए, जो ओवल फेस है वो कैसा होता है और उसके फीचर्स किस तरह के होते हैं। देखिए, आपने एग एग देखा है ना, एग जैसे एग की शेप होती है, ऐसे ही हमारा जो ओवल फेस है होता है, सेम यही होता है ओवल फेस। ओवल फेस को एक बेस्ट फेस माना गया है, यानी कि बेस्ट फेस शेप माना गया है। क्यों? क्योंकि इसमें एक प्रॉपर वेरिएशन होती है, कहीं से चौड़ा नहीं होता ज़्यादा, कहीं से ज़्यादा पतला नहीं होता, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं लगता, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं लगता, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं लगता, बहुत ज़्यादा पतला नहीं लगता। तो ये होता है ओवल फेस। और देखिए फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने राउंड फेस भी किया था और एक और हमने फेस किया था, लॉन्ग फेस किया था। आज हम ओवल फेस के फीचर्स की बात कर रहे हैं, हेयर स्टाइल्स की बात कर रहे हैं या फिर मेकअप की बात कर रहे हैं, तो इस सब के बारे में आपको नॉलेज देने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे मेकअप कि ओवल फेस पे मेकअप में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, यानी ऐसी कौन सी चीज़ जो आपके फीचर्स को चेंज कर देती है। दैट इज़ कॉन्टोर। जो कॉन्टोर होता है ना, यही आपके फीचर्स को चेंज कर देता है। और कंटूर ओवल फेस वाले पर्सन्स को किस तरह से करना चाहिए। देखिए, ओवल फेस का क्या मतलब है, इस तरह से हल्का सा, यानी इस तरह से हल्का सा ओवल में होना। मेरा फेस एक ओवल फेस शेप ही है, मेरी जो फेस शेप है ये एक ओवल फेस शेप है, जैसे कि आप देख रहे हैं ओवल फेस शेप है। अब इसमें अगर मुझे कंटूर करना है तो मैं किस तरह से कंटूर करती हूँ, दैट इज इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको कि आपको कंटूर किस तरह से करना है। सो फ्रेंड्स, जैसे कि जब भी हम कंटूर करते हैं ना ओवल शेप के पर्सन्स, तो उनको हमेशा इस शेप को, यानी कि जब मेकअप के बाद जब हम बेस सेट कर लेते हैं, तो कंटूर जो है, ये जो एरिया है हमारा, ये वाला एरिया, दिस वन एंड दिस वन, इस एरिया को और इस एरिया को हमें कंटूर करना होता है। ऐसा करने से ये जो हमारा फोरहेड है ना, ये थोड़ा छोटा लगता है, हमें फोरहेड को थोड़ा छोटा दिखाना होता है। और जो हमारे ये जो चीक्स, इन्हें थोड़ा अंदर दिखाना होता है, इससे हमारा जो परफेक्ट शेप आती है। क्योंकि हमारा क्या होता है कि जब भी हम कंटूरिंग करते हैं वो इसी के अकॉर्डिंग करते हैं कि हमारा जो फेस शेप है वो चेंज हो जाए। जैसे कि मैंने आपको राउंड शेप में बताया था, जो कंटूरिंग है ना वो इस पार्ट में की जाती है, पूरे इस पार्ट में की जाती है राउंड फेस के लिए। लेकिन ओवल शेप में कंटूरिंग यहाँ पर, यहाँ पर, और ये जो एरिया है, इस एरिया में, इस एरिया में और इस एरिया में की जाती है, जहाँ पे मेरा ब्रश है ना, ये जो हमारे यहाँ से लेकर हमारे ये जो पार्ट है, ये वाला यहाँ तक, ये इस पार्ट में कॉन्टोरिंग की जाती है। फेस आपका इस तरह से लगेगा और आपका जो फोरहेड है वो थोड़ा कम लगता है। तो ये है आपका मेकअप का टिप जो कि आपको ओवर फेस में करना है। सेकेंड थिंग ये है कि आपको अपना हेयर स्टाइल किस तरह से रहना। देखिए, जो मेरा हेयर स्टाइल है, मैक्सिमम टाइम मैं अपने ये वाले हेयर्स जो है ना, इस तरह से रखती हूँ मैक्सिमम टाइम। आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा और मुझे एक दो कमेंट भी ऐसा आया कि आप जस्ट एक पार्ट, एक सेक्शन अपने फेस पे क्यों रखते हो। देखिए, जो ओवल फेस होते हैं उनके फ्लिप्स, उन पे फेस पे जो फ्लिक्स होती हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं। अब अगर मैं, अब देखिए, अगर मैं अपने फेस को इस तरह से कर लूँ तो शायद इतना जो है अच्छा ना लगे, शायद इतनी लुक ना आए और शायद इतनी पर्सनैलिटी ना आए। अगर मैं ऐसे करती हूँ, देखिए, पर्सनैलिटी में, इस वे में और इस वे में कितना फर्क आ जाता है ना। तो इसी वजह से मैं एक पार्टी, क्योंकि ये मेरे फेस पे सूटेबल है। ऐसा करने से क्या होता है कि एक पार्टीशन मैं हमेशा अपने फेस पे रखती हूँ। ऐसा करने से एक तो ये होगा कि ये जो मेरा एरिया है, जो जहाँ पे हम कंटूर करते हैं, हमारा जो फोरहेड है ना, ये हमारा हाइड हो जाता है। हाइड मीन्स टू से कि ये जो शेप होती है, जो शेप होती है, थोड़ी सी इस तरह से हो जाती है, यानी कि कवर अप हो जाती है। इस तरह से ओवल शेप वालों को हल्का सा वेरिएशन जो है अपने फ्रंट में देना चाहिए, ठीक है। सेकंड कि हेयर स्टाइल, ओवल फेस वालों पे किस तरह के हेयर स्टाइल अच्छे लगते हैं। ओवल फेस पे ओपन हेयर्स, वो भी जो कर्ल हो, ओपन कर्ल हेयर्स,
बहुत ज़्यादा सूट करते हैं। कर्ल्स हेयर्स जो है वैसे तो वो हर एक फेस स्ट्रक्चर पे सूट करता है, लेकिन ओवल फेस पे बहुत ही ज़्यादा सूट करता है। हाई बन बहुत ही ज़्यादा यूनिक लगते हैं और पर्सनैलिटी बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा लेवल पे चली जाती है, यानी बहुत ही ज़्यादा सेपरेट दिखाई देते हैं और बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई देते हैं। तो इस तरह के पर्सन्स को अपने हेयर स्टाइल में हाई बन, साइड बन्स या फिर कर्ल्स रखने चाहिए। और अगर आप, जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखिएगा ओवल फेस पे जो पफ हैं वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, पफ इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं। अगर यानी कि देखिए, अगर मैं यहाँ पे पफ क्रिएट करती हूँ अपना हल्का सा, किसी भी तरह से एक पफ क्रिएट करती हूँ, तो इतना ज़्यादा सूटेबल नहीं लगेगा, इतना ज़्यादा हाई पफ सूटेबल नहीं लगते। अगर आप शॉर्ट पफ करते हो तो ठीक लगता है, लेकिन अगर आप हाई पफ करते हो ना तो इतने ज़्यादा सूटेबल नहीं लगते हैं ये आपके। सो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको जो है ओवल शेप में बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में ओवल फेस में भी रखना पड़ता है। हाई पफ साइड बंस जो होते हैं आपके बहुत सूट करेंगे, कर्ल्स आप पे सूट करेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं कटिंग के ऊपर। कटिंग में आपको किस तरह की कटिंग सूट करती है? कटिंग में देखिए, ओवल फेस के पर्सन्स पे लॉन्ग ओपन जो होते हैं हेयर्स काफ़ी अच्छे लगते हैं। लॉन्ग हेयर्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे लगते हैं। अगर आपके लॉन्ग हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, आप कटिंग ना लें। लेकिन अगर आपको कटिंग लेनी है तो लॉन्ग लेयर कट लें, ओवल फेस पे बहुत ज़्यादा सूट करती है। इसके अलावा ओवल फेस पे ब्लंट कट, अगर छोटे बच्चे हैं होते हैं उन पर ब्लंट कट काफ़ी सूट करता है। और जैसे हमारे ओवल फेस के पर्सन्स होते हैं उनकी जो ये जो हमारे हेयर्स होते हैं उनको एक साइड जो है हम थोड़े से आगे रखते हैं, तो इससे आपके फेस की पर्सनैलिटी जो है वो चेंज हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस पर्सनैलिटी को देखिए और इस पर्सनैलिटी को देखिए, ठीक है ना। तो हमारे अलग अलग पर्सनैलिटी होती हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें ध्यान में रखना पड़ता है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है, दैट इज़ एक्सरसाइज। ओवल शेप के पर्सन को किस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए? देखिए, एक्सरसाइज ओवल फेस के पर्सन को ये जो चीज़ होती है ये इस तरह से मेरी है ना, इस तरह की ऐसी है ये टिप, यानी इस चीज़ के लिए हमें कोई एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन हमारे जो फोरहेड है उसके लिए हम जो हैं थोड़े से हेयर्स जो हैं इस तरह से आगे कर लेते हैं, तो हमारा जो फोरहेड है ये थोड़ा ये हाइड हो जाता है और इसे छोटा लगता है, तो फेस की पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। तो ज़्यादा एक्सरसाइज की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप इस एरिया को इस तरह से ऊपर की तरफ खिंचाव के साथ रखते हैं तो काफ़ी अच्छे से आपको जो है आपका फेस का जो स्ट्रक्चर है वो एक्सरसाइज से चेंज, हल्का फुल्का सा फ़र्क लग जाता है। और थ्रेडिंग आपको इस तरह से करनी चाहिए। देखिए इस तरह की थ्रेडिंग मैं आपको दिखाऊँ, आप मेरी थ्रेडिंग देखिए, ये देखिए ये वाली शेप, इस तरह की शेप को आपको मेंटेन रखना चाहिए। देखिए इसमें और इसमें एक फ़र्क है, ठीक है ना। तो आप ये देखिए, देखिए तो ये जो है हमें कर्व में लेनी होती है, कर्व में इस तरह से। तो अगर ओवल शेप के पर्सन्स पे ये वाली शेप जो है वो काफ़ी अच्छी लगती है, ज़्यादा हाई भी नहीं, इतनी हाई भी नहीं, थोड़ी सी हाई, इतनी हाई जो है वो काफ़ी अच्छी लगती है। आप देखेंगे कि ये इस तरह से, तो ये जो है हल्की सी हाई और कर्व में थ्रेडिंग की शेप काफ़ी अच्छी लगती है, अट्रैक्टिव लगती है। तो ये है ओवल फेस फैक्ट्स और फीचर्स, और आप ओवल फेस को किस तरह से अट्रैक्टिव दिखा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।